हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ एन इंडिजीनियस बैंकर, भारतीय साहूकार की स्थिति। इसमें सुनिए, बैंकर होने के लिए कुछ शर्तों का पूरा करना आवश्यक हो जाता है। भारतीय साहूकार तथा महाजन की गणना बैंकर की श्रेणी में नहीं की जा सकती, क्योंकि वे निम्नांकित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। नंबर वन, जनता से जमा स्वीकार न करना। बैंकर कहलाने के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति इस बात से परिचित हों कि वह जमा राशि लेने का व्यवसाय करता है। महाजन तथा देशी साहूकार प्रायः अपने निजी साधनों पर ही निर्भर होते हैं। वे जनता से जमा के रूप में राशियां स्वीकार नहीं करते, आवश्यकता पड़ने पर भी केवल अपने मित्रों एवं संबंधियों से ही धन लेते हैं, जिसे जनता से जमा के रूप में ली गई धनराशि नहीं समझा जा सकता। अतः भारतीय साहूकार को बैंकर नहीं कहा जा सकता। नंबर सेकंड, प्रमुख व्यवसाय न होना। बैंकर कहलाने के लिए यह भी आवश्यक शर्त है कि बैंकिंग उसका मुख्य व्यवसाय होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति या संस्था बैंकिंग कार्य को केवल सहायक व्यवसाय के रूप में करता है तो उसे बैंकर नहीं कहा जा सकता। भारतीय साहूकार प्रायः उधार लेन देन का कार्य सहायक व्यवसाय के रूप में करते हैं। उनका प्रमुख व्यवसाय सोना चांदी का व्यापार करना, खेती करना या वस्त्र व्यवसाय होता है, अतः उन्हें बैंकर की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। नंबर थर्ड, जीवन निर्वाह का साधन। उस व्यक्ति या संस्था को ही बैंकर माना जा सकता है जिसकी आय का एकमात्र साधन बैंकिंग व्यवसाय हो अथवा जिसका जीवन निर्वाह ही इस व्यवसाय से हो रहा हो। ऐसे किसी व्यक्ति या संस्था को बैंकर नहीं कहा जा सकता जो बैंकिंग के व्यवसाय को अपने जीवन निर्वाह के साधन के रूप में नहीं अपनाता है, क्योंकि भारतीय साहूकार बैंकिंग व्यवसाय को एक सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं, इसलिए बैंकिंग व्यवसाय उनका निर्वाह साधन नहीं होता। अतः भारतीय साहूकार को बैंकर की पदवी नहीं दी जा सकती। नंबर फोर, बैंकर के रूप में प्रतिष्ठा। किसी व्यक्ति या संस्था को बैंक या बैंकर मानने के लिए यह भी आवश्यक होता है कि समाज में उसकी प्रतिष्ठित एवं मान्यता बैंकर के रूप में हो। इस तथ्य को विज्ञापन अथवा अन्य किसी प्रकार से जनता की जानकारी में लाया जाना आवश्यक होता है, परंतु भारतीय साहूकार सर्राफ, कपड़ा अथवा अन्य प्रकार के व्यापारियों के रूप में प्रसिद्ध होते हैं, अतः उन्हें बैंकर की संज्ञा नहीं दी जा सकती। प्रोक्त सीमाओं को देखते हुए भारतीय बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 की धारा 7(1) तथा धारा 7(2) द्वारा भारतीय साहूकार को अपनी फर्म के नाम के साथ बैंक, बैंकर अथवा बैंकिंग शब्दों में प्रयुक्त करने से वंचित किया गया है। धारा 8 में यह स्पष्ट किया गया है कि उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करने वाली संस्था बैंकिंग के अतिरिक्त कोई अन्य व्यापार नहीं कर सकती। निष्कर्ष, प्रत्येक बैंक साहूकार का कार्य करता है, परंतु प्रत्येक साहूकार बैंक के कार्य नहीं कर सकता। अब आता है फंक्शंस एंड सर्विसेज ऑफ मॉडर्न बैंक्स, आधुनिक बैंकों के कार्य तथा सेवाएं। इसमें सुनिए, प्रत्येक देश के आर्थिक जीवन में बैंक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी कार्य करते हैं। देश में प्रचलित मुद्रा का एक बहुत बड़ा भाग उनके नियंत्रण में रहता है और वे मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करके देश की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। आधुनिक आर्थिक जगत में बैंकों की सेवाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं लाभकारी हो गई हैं। आधुनिक समाज में बैंक के द्वारा सामान्यतः निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। नंबर वन, निक्षेप स्वीकार करना। निक्षेप स्वीकार करना, इसमें सुनिए, आधुनिक बैंकों का यह एक मौलिक और अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। साख निर्माण और अन्य वित्तीय सेवाओं का आधार निक्षेप स्वीकार करना ही है। जनसाधारण की बचतों को विनियोगों में परिवर्तित करने का यह एक माध्यम है। सभी प्रकार की निक्षेप राशियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निक्षेपों के कई रूप रखे गए हैं। नंबर फर्स्ट, सावधि जमा खाता।
सावधि जमा से तात्पर्य खाते में ऐसी जमा से है जो किसी निश्चित अवधि की समाप्ति पर ही वापस की जा सकती है। इस खाते में प्रायः कम से कम 15 दिन तथा अधिक से अधिक 120 माह की अवधि के लिए जमाएं स्वीकार की जाती हैं। जमा अवधि का चयन ग्राहक द्वारा अपनी सुविधा एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस खाते में प्राप्त जमाओं पर ऊंची दर से ब्याज दी जाती है, क्योंकि बैंकर को एक निश्चित अवधि के लिए राशि प्राप्त हो जाती है और वह उस रकम का लाभप्रद उपयोग कर सकता है। नंबर सेकंड, बचत बैंक खाता। जनसाधारण तथा वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए बैंकों द्वारा एक विशेष प्रकार के खाते की व्यवस्था की जाती है, जिसे बचत बैंक खाता कहते हैं। इस खाते में छोटी छोटी रकमें भी जमा की जा सकती हैं। इस प्रकार के खातों में जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, किंतु निकालने की सुविधा आहरण सुविधा सप्ताह में केवल एक या दो बार दी जाती है। कुछ बैंक आहरण राशि पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। इन खातों पर ब्याज दिया जाता है, किंतु सावधि जमाओं की तुलना में कम होता है। वर्तमान में भारतीय बैंकों द्वारा बचत खातों पर सामान्यतः 3.5% ब्याज दी जाती है। यह खाता मध्यम वर्गीय परिवारों की बचत को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। नंबर थर्ड, चालू खाता। यह खाता उद्योगपतियों, व्यापारियों एवं व्यापारिक संस्थाओं के लिए अत्यंत सुविधाजनक एवं उपयोगी होता है। इस खाते की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी समय कितनी भी रकम या रकमें जमा कराई जा सकती हैं और आवश्यकता अनुसार कितनी भी बार निकाली जा सकती हैं। चालू खाते में जमा रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता या नाम मात्र का ब्याज दिया जाता है। प्रायः अच्छे बैंकों द्वारा चालू खातों पर कुछ आकस्मिक शुल्क लिया जाता है, क्योंकि बैंकों को चालू खाता रखने वाले व्यक्तियों के लेन देन का वितरण समय समय पर भेजना पड़ता है। उनके खाते में अनेक भुगतान करने पड़ते हैं। साथ ही चालू खातों में जमा रकम का प्रयोग भी बैंक राशि निकाले जाने की निश्चितता के कारण सीमित रूप में ही कर सकता है। नंबर फोर्थ, घरेलू बचत खाता। कुछ बैंक अपने ग्राहकों को लोहे की एक गुल्लक या तिजोरी देते हैं, जिसमें ताला लगा दिया जाता है और चाबी बैंक के पास रख ली जाती है। ग्राहक इस गुल्लक या तिजोरी में समय समय पर मुद्रा या राशि डालता रहता है और कुछ समय एक दो या तीन महीने पश्चात इस गुल्लक को बैंक में लेकर पूरी जमा रकम निकलवा देता है। बैंक इस रकम को ग्राहक के खाते में जमा कर देता है। इस जमा रकम पर भी जमा खाते में की भांति ब्याज मिलता है। नंबर फिफ्थ, अनिश्चितकालीन जमा खाता। इस खाते में से जमा राशियों को कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कभी नहीं निकाला जा सकता है। बैंक इस प्रकार के खाते पर केवल ब्याज का भुगतान करता है। इस खाते में जमा रकम पर ऊंची दर से ब्याज दिए जाते हैं, क्योंकि ये अनिश्चितकालीन जमाएं होती हैं। इस प्रकार के खाते भारत में लोकप्रिय नहीं हैं। नंबर सिक्स, आवर्ती जमा खाता। यह खाता मुख्य रूप से उन जमाकर्ताओं के लिए है जो अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक पुख्ता रकम जमा करना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य लोगों में नियमित रूप से बचत करने की आदत डालना है। यह खाता खोलने वाले व्यक्ति को एक निश्चित रकम जो 5 या 10 के गुणक में होती है एक नियत अवधि तक प्रतिमास अपने खाते में जमा करवानी होती है। नंबर दो आता है ऋण प्रदान करना। इसमें आता है बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य उधार या अग्रिम देना है। बैंक कृषि व्यापार उद्योग धंधों और अन्य उत्पादक कार्यों के लिए आवश्यक ऋण प्रदान करते हैं। इसी कार्य से बैंकों को अपनी आय का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। साधारणतः बैंक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने ऋण व्यवसाय को किस प्रकार चलाती है, क्योंकि ऋणों के संबंध में त्रुटिपूर्ण नीति बैंक व्यवसाय के लिए घातक हो सकती है। बैंक इन ऋणों पर ब्याज लेता है, जिसकी दर जमा के रूप में स्वीकार किए गए धन पर ब्याज की दर से अधिक होती है। बैंक निम्नलिखित 4 रूपों में ऋण प्रदान करते हैं। नंबर फर्स्ट है नकद साख। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बैंक अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों के आधार पर एक निश्चित मात्रा तक ऋण लेने का अधिकार देती है। यह रकम एक ही बार में नहीं निकाली जाती, बल्कि ग्राहक को जब जितनी रकम की आवश्यकता पड़ती है वह उतनी रकम निकाल सकता है। उसे केवल वास्तव में निकाली गई रकम पर ही ब्याज देना पड़ता है। नंबर सेकंड, अधिविकर्ष। जब बैंक अपने ग्राहक को उसके खाते में जमा धनराशि से अधिक मात्रा में रुपया निकालने की अनुमति दे देते हैं तो उसे अधिविकर्ष कहते हैं। अधिविकर्ष एक अस्थायी व्यवस्था है जो व्यापारियों की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए दी जाती है। यह प्रायः
उन ग्राहकों को दी जाती है जिनका बैंक में चालू खाता होता है। बैंक अपने ग्राहकों की अधिविकार सीमा प्रतिभूति या साख योग्यता के आधार पर निर्धारित करता है। नंबर थर्ड आता है ऋण। जब व्यापारियों या ग्राहकों को एकमुश्त नकद रुपया उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है तो इस व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। नंबर फोर्थ, व्यापारिक बिलों की कटौती। बैंक विनिमय बिलों को कटौती करके भी ऋण दे सकता है। ऐसे ऋण अल्पकालीन हो सकते हैं। अब नंबर थ्री आता है अभिकर्ता संबंधी कार्य। इसमें अभिकर्ता संबंधी कार्य में एजेंसी संबंधी कार्य के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो बैंक अपने ग्राहकों के आदेश अनुसार उसकी ओर से करता है। इसके निम्न है। नंबर फर्स्ट है ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। बैंक अपने ग्राहकों के निर्देश अनुसार उसकी ओर से उनकी बीमा पॉलिसी का प्रीमियम, ऋणों की किश्तें, ब्याज, चंदे, किराया अथवा अन्य किश्तें रकमों का भुगतान कर देते हैं तथा इस कार्य के लिए साधारण से कमीशन लेते हैं। नंबर सेकेंड, ग्राहकों की ओर से भुगतान संग्रह करना। इसमें बैंक अपने ग्राहकों की ओर से ब्याज, लाभांश, कमीशन, किराया तथा अन्य प्राप्तियां वसूल कर उनके खाते में जमा करते हैं तथा उनका हिसाब भी रखते हैं। यह कार्य भी बैंक कमीशन के आधार पर करती है। नंबर थर्ड है साख पत्रों के भुगतान का संग्रह। बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए चेक, ड्राफ्ट, बिल, हुंडियों और अन्य विनिमय साध्य बिलों का भुगतान प्राप्त कर अपना कमीशन काटकर शेष राशि ग्राहक के खाते में जमा करते हैं। नंबर फोर्थ, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर विभिन्न प्रकार के अंश, ऋण पत्र, साख पत्र और सरकारी व अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते रहते हैं। नंबर फिफ्थ, धन का स्थानांतरण। बैंक एक शाखा से दूसरी शाखा तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को धन का स्थानांतरण करता है। यह स्थानांतरण बैंक ड्राफ्ट, तार द्वारा हस्तांतरण एवं डाक द्वारा स्थानांतरण द्वारा किया जाता है। नंबर सिक्स, संदर्भ पत्र। बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश विदेश के व्यापारियों को देते हैं और देश विदेश के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को की सूचना अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। नंबर सेवेंथ, ट्रस्टी प्रबंधक आदि के रूप में कार्य। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उनकी संपत्ति के व्यवस्थापक, प्रबंधक एवं ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करता है। अब नंबर फोर्थ आता है विविध कार्य। इसमें विविध कार्य में जैसे संपत्ति की सुरक्षा होती है, फिर साख प्रमाण पत्र जारी करना, अंशों का अभिकोपन करना, विनिमय बिलों को स्वीकार करना, वित्तीय मामलों पर सलाह देना, उपभोग साख प्रदान करना, आंकड़ों का संग्रह एवं प्रशिक्षण करना होता है। फिर इसके बाद आता है नंबर फिफ्थ पॉइंट आता है और आंतरिक व विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन। इसमें आंतरिक और विदेशी व्यापार के लिए धन की व्यवस्था बैंकों द्वारा हुंडियों और देश विदेशी बिलों को बनाकर की जाती है। फिर नंबर सिक्स आता है साख का निर्माण करना। आधुनिक समय में साख का सृजन करना बैंकों का महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। बैंक अपनी जमाओं से ही जरूरतमंद व्यवसायियों को ऋण प्रदान नहीं करते वरन स्वयं साख मुद्रा का भी निर्माण भी करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।